ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಗುಜರಾತ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನ ನೋಡೋಣ. सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक्सपो का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें वहाँ पर ग्रीन वेस्ट 2024 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं और उसका उद्घाटन करने के बाद में वहाँ जो एग्जीबिशन लगी है वो प्रधानमंत्री देख रहे हैं और इस एग्जीबिशन के जरिए सीधे तौर पर आगे भविष्य में किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसको लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई. तो गांधीनगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही इसमें एक प्रदर्शनी जिसमें प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके स्टार्टअप्स हैं और जो प्रमुख उद्योग कंपनियों के जो अत्याधुनिक नवाचार हैं उनको दिखाया जा रहा है और प्रधानमंत्री यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं. गांधीनगर में ये प्रदर्शनी लगाई गई है जहाँ पर तमाम जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनियाँ हैं उनके स्टार्टअप्स हैं उनको दिखाया गया है. तो कहीं ना कहीं भविष्य में सीधे तौर पर भारत को फायदा होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी फायदा होगा, स्टार्टअप्स के तौर पर अगर हम देखें तो फायदा मिलेगा. इसके अलावा अगर देखा जाए तो उपस्थित लोग जो है वो मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक होगी, सीईओ गोलमेज सम्मेलन और अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर भी विशेष चर्चा इस पूरे दौरान की. ये तस्वीर तमाम जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी whose visionary leadership, relentless efforts and commitment towards sustainable development has been instrumental in shaping India's renewable energy landscape. Gentlemen, honorable prime minister's transformative approach to renewable energy has world. Honorable prime minister, thank